हाँ भाई, है कुछ उसका ठोर ठिकाना? कहाँ धक्के खाता फिर रहा वो? है ये देख, डंगर भी भूखे मरे हैं। मैं खेतों में से भी आ लिया, वहां भी नहीं आया, कहाँ है भियो? तुम्हें कुछ दुश्मन आ गया छोरे से? हर वक्त उसके पीछे ही लगे रहे हो। मुझे दुश्मनाई बता रही है? अरे के करके मानेगा वो? पैसे में आग दे बस, और कुछ करा उसने? अरे उसके इस बाप ने उक्कर जुक्कर कुक्कर उसके लिए पैसे जोड़े कि उसका कहीं मेडिकल में एडमिशन करा दूं, डॉक्टर बन जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। के करा उसने? हैं, इंटर कर ली और बाबूजी मैकेनिक बन गया, अब जैन मोटरसाइकिल को सुधारन लग रहा। बात बना रही मुझे ही? तमन्नी यार करना हो तो कर लो, नहीं तो लगड़ जाओ, धर दो इस तसले को, अपना आप कर लूंगी मैं, बता रही बात। तू कुछ ना करे, जब अपना काम धंधा कर ले, समझ गई? तुझे पता मुझे कितनी एलर्जी इस भूसे। तो मत करो, जा चाय पी लो, मैं तो खुद कर लूंगी, पर यहाँ मेरे पे गरम नरम मत हो, हमसे सा काम करेंगे जब ऐसे तरारे दिखाएं मुझे। बिगाड़ के ही मानिए उस औलाद को। माँ बस ऐसी हो माँ। ओए इंगा, यहाँ कहाँ हंडता फिर है तू? कुछ जी में तेरे हिला करने की? कुछ हिला करेगा नहीं करेगा? कुछ करेगा हिला? मांगे तो थारते पैसे दिए तुमने, तुम अगर पैसे दे देते ना तो अपने तो मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही होती। 30,000 रुपए दिए तो थे, आग लगा तो दी थी, उनमें क्या करा था उसका? 30,000 रुपए में क्या हो रहा नू बताओ? 15,000 रुपए में फोन लिया अपना, 15,000 में दुकान खुल रही है कहीं, उसके बाद अपने लगते कपड़े ले आया। तू ना करने का कुछ भी, कल को एक काम कर, मेरी गैल खेतों में चलिए, तू बस खेती करेगा, नाश की जड़ हो रहा। करवा तो अपना काम करूँगा, मेरे बस क्या खेती करनी? अरे हाँ, मुझे 1,00,000 रुपए दो, मुझे अपनी दुकान खोलनी है, यहाँ आसपास में कोई दुकान भी ना, मेरी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। मेरी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी? वे सूख रहे छत में पीछे, चल मेरी गैल, तुझे तार के धुआं, मेरे पे ना एक पैसा तुझे देने के लिए, ये लठ धरा तेरे घात में बस लठ दे सकूं मैं, समझ गया? दे दो ना ऐसे पैसे, जब काम करने की नहीं हो कह रहा था, ठीक रहेगा दुकान खोल लेगा तो। मेरे पे ना पीसे, तेरे पे हो तू दे दे। इस खेती में से क्या काट लिया तुमने नू बता दो मुझे, दुकान खोल लेगा तो ठीक रहेगा। अरे मेरे पे तो है ना पैसे देने के लिए, तेरे पे हो तू दे दे। एक ही तो बालक हमारे, कर लन दोने से जो करना चाह रहा हो, और तुमने क्या काट लिया इस खेती में से? देख इस खेती को तो कुछ कहिए ना, यो जो पूरा घर थाम रखा ना, इस खेती ने थाम रखा, तेरे घर से लाए हुए दहेज से ना, समझ गई? और मेरे पे ना पीसे, नाश करने के लिए किसे देता रहूं और इनमें आग लगाऊ जा। जब इसके जी में ना है खेती करने की तो और एक बेर देख देख लो पैसे। देख मेरे पे नाश करने को तो पैसे है ना, एक शर्त पे दे सकूं, वे भी 50,000 रुपए बस। हाँ बताओ के शर्त? शर्त यो है, अगर 3 महीने में 50,000 के 1,00,000 रुपए कर दिए तो इस घर में घुस जाइए, वरना तेरे लिया इस घर के दरवाजे बंद। हाँ ठीक है, लाओ पैसे देते जाओ। छत पे सूख रे जाऊं और ठा के ले आऊं? अरे सबर कर ले, कल को बैंक में जाऊंगा, पैसे काट के लाऊं और तुझे दे दूंगा। पैसे दे दो, रब का कुछ कर ही लीजिए तू भी, बेर बेर पैसे ना देने का, तुझे पता अपने पिताजी के गुस्से की, तुझे तो भगाएगा, तेरी गैल मुझे भी भगा देगा निकाल के। अरे ठीक है, मैं अपना आप देख लूंगा। हाँ भाई कंपाउंडर, एक बात तो बता, ठीक तो है? कैसे मुंह लटकाओ बैठा, नौकरी तो ठीक ठाक चल रही है तेरी? कुछ ना यार मिस्त्री, मूड खराब है। क्यों, के बात होगी? अरे बात क्या होगी मिस्त्री, एक नई नर्स आई है हॉस्पिटल में और मेरे पे झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने उसे छेड़ दिया। अब तुझे पता मैं किसे डरता तो हूँ नहीं, मैंने भी सुना दी खरी खट्टी, अब उसने उसकी शिकायत डॉक्टर से कर दी और भाई मेरी नौकरी चली गई। अच्छा तू है चिचोरा, तन्ने उस नर्स को जरूर छेड़ा होगा। इनके को लखाइए जो क्यों रहा तेरा, तू पिट्टा भी दिखा है, तेरा तो मुंह भी सूझ रहा है। अरे ना मिस्त्री ऐसी कोई बात ना है। कोई बात ना, तू चिंता क्यों कर रहा, काम की कमी है हमारे धोरे, मैं गैराज खोल लूंगा और तू मेरे गैराज के आगे गोलगप्पे की रेहड़ी लगा ली, तेरे चुकर दे को छोरी छोरी रहेंगी। देख मैं मिस्त्री, हम दोनों बचपन के यार हैं, हमारे काम ही तो अलग अलग हो गए, अब मैं यूँ चाह रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर कोई काम कर लें और मेहनत करके उसे चला लेंगे। देख भाई, डॉक्टर का तो मुझे कद्दू ज्ञान नहीं और मिस्त्री बने का तुझे घंटा नहीं पता, हम मिलकर के काम करेंगे। हाँ भाई
तू मिस्त्री गिरी को घना बढ़िया मान रहा के कोई इज्जत देने को तैयार नहीं, कोई यही बकवाद करके चले रहा साला। सोच अगर मुझे डॉक्टर बना दे तो देख भाई, यहाँ तो मैं सब जाने हम दोनों मिलके एक क्लिनिक से घेर लेंगे कहीं दूर, जान को जानता ना। अरे भाई जब डॉक्टर है कुछ ज्ञान ही ना तो करूँगा कैसे? अरे तू चिंता क्यों कर रहा, छोटी मोटी बीमारी का इलाज तो मैं तो सिखा दूंगा, और कुछ किताब मेरे द्वारा है और कुछ और खरीद लेंगे, तू उन्हें पढ़ लिए। अरे चाचा भी तुझे डॉक्टरी बनाना चाह रहे थे, डॉक्टर के धंधे में बहुत मोटी कमाई है और इज्जत भी है, और एक बात और वहाँ सोनी सोनी लोडिया भी आवे है। अब ये सोच रहा तू, तेरे धुन तो नेट वाला फोन भी है, उसमें तरह तरह की बीमारियों का पता चल जाएगा, कौन सी दवाई किस मरीज में देनी है, और पढ़ा लिखा तू है, सीख जाएगा। कहता तू ठीक रहा, मिस्त्रीपना भी जुगाड़ सब है, अब साले डॉक्टरी भी जुगाड़ तो करेंगे। ठीक है, तो मेरा बाप भी तो झोड़ा छाप डॉक्टर था, उस पर कौन सा डिग्री दे रही थी। पर भाई मेरे धरे तो 50,000 रुपए हैं, चल जाएगा काम उनते बड़े प्यार से, 20,000 मेरे धरे भी है, तू चिंता क्यों मान रहा। ठीक है, बाकी बात सांझू करेंगे, अब तो मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बापू अब देख कैसे खुलता है हॉस्पिटल, तू तो रह गया कंप्यूटर और मैं बनूंगा डॉक्टर, वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर। तू ना बना कद्दू भी। बस बापू अपना आशीर्वाद नहीं बनाई राखी है, और जब मैं बोलूं जब आ जाया करिए, कभी नहीं जारी में लगे रहे। बापू तू बहुत बड़ा जार भी कही, मेरी माँ ने बताया मुझे। अरे लल्ला सुनिए, यहाँ कोई बाइक ठीक करने वाला मिस्त्री भी है? हाँ जी आगा, वही है आके। चल यही है। अच्छा यही है, आइए भाई यार, बाइक को पता है क्या हो गया, चोखा चलाता है अर्धा, अरे यहाँ अचानक बंदूक की स्टार्टिंग ही हो रही है। चलो भी देख लेते हैं। देखिए भाई, अरे नई मोटरसाइकिल है। आजकल मशीनी का कुछ नहीं पता लगता, क्या दिक्कत हो जा? मशीनी गिरी तो कुछ पता नहीं होता जी। गरम होगी क्या? गरम नहीं है, इसका पलक लूज हो रहा था, स्पार्किंग कर रहा होगा। एक बार देखो स्टार्ट करके, अब तो मैंने लगा दिया, बाकी चेंज करवा लियो इसे। अभी वाह, तेरे तो हाथ लगाते ठीक हो गया, इसे चेंज करवा लियो बस। चलो चेंज तो करा लूंगा मैं, और लो पैसे लो अपने। बस जी पैसे की कोई जरूरत ना, मैं रास्ते में किसी की मदद करके पैसे नहीं ले करता। अरे नहीं यार ऐसा सही नहीं लगता, बस तना हेल्प करिए मेरी। चल बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेरा। ठीक है, बहुत मिलेंगे फिर जल्दी हैं। ठीक ओ अच्छा, माँ ला दिखा मैं करूं इसे। अच्छा तू नू बता, पिताजी बैंक गए तो पैसे ले आए? हाँ ले आए, पैसे तो मुझे दे गए। अरे चल यू भी चोखा रहा, पैसे आ गए तो अब काम भी चालू हो जाएगा। दिखा रखो ना स्पीटे, तू इन पैसे में फेर आग लगावेगा क्या? तेरी गैल के सारे कोई चंडीगढ़ चला गया, कोई दिल्ली चला गया, और उनसे बात कर ले तू, वही नौकरी ना कर ले। अरे माँ तुझे मैंने कैबर बता रखी है, मेरा मन ना नौकरी करने में, मैं करूँगा तो अपना काम करूँगा। देख तुझे अच्छी तरह पता अपने पिताजी के गुस्से की, और तू फिर भी ना मानता, मैं तुझे बेर बेर पैसा ना दिवा सकती। अरे आगे जरूरत पड़ने की ना है, मैं अब कैसा काम करूंगा बिल्कुल पक्का। और तेरा पिताजी तुझे घर से काट देगा पक्का, जो तन्ने पैसे खराब कर दिया अब क्या। अरे अब ऐसा होने का ही ना, चल देख लिए पिताजी मेरे पे गर्व करेंगे गर्व। चल देखूंगी कौन सी तोप चलाएगा तू। हाँ देख लिए, कहीं तोप की जगह परमाणु बम ना चला दे,
मैं एक बात कह रहा हूँ, इन पैसों का यो नाश करेगा। और अगर इसने इस बार इन पैसों का नाश कर दिया ना, मैं इसे घर से काट दूंगा, इसे कर दूंगा बेघर। पिताजी एक बात बताओ, कोई मैं बारा थोड़ी रह रहा हूँ अपनू, बताओ मुझे अपना अच्छे बोले की सब दिखे। अरे अगर तुझे दिखता तो अपनी पढ़ाई पूरी करता, तू बनता आज अच्छा काबिल डॉक्टर। देख रही इसके नखरे, जनाब किस तरह गया मुंह बना के, अबे तो बोलने का भी हक ना है। अरे तो मत बोल करो, कितनी बेर कह दी चुप रह करो। कितनी बेर कह दी चुप रह करो, बचपन में बाप ने ना बोलन दिया, मेरे जवानी में तेने ना बोलन दिया, अब यू नहीं बोलन देता, आगे इसकी बहू नहीं बोलन दे, और फिर इसके जाकत नहीं बोलन दे, गुंगा ही पैदा कर देता भगवान, इससे बढ़िया तो मुझे। अरे यार खड़े खड़े आधा घंटा हो लिया, ना तो कोई बस आ रही ना कोई टेम्पो आ रहा। अरे आ जागी, इतना उतावला ना हुआ करते, आ जागी। पर हम जाओगे कहाँ भाई? मुजफ्फरनगर के किसी गांव में चलेंगे जहाँ से शहर थोड़ा दूर हो। तेरे पास तो मोबाइल है, मैप खोल के देख। ठीक ठीक कह रहा। देख अरे बसाली दिखा है, चल चल। ले भाई अब तो गांव तो बहुत दूर आ लिए, हमें ना पहचानता है कोई भी। अरे जब हम ही किसी को ना पहचानते तो हमें कौन पहचानेगा। सही कह रहा, पर ये गांव पता ना कितनी दूर है। अरे अरे बुग्गी वाला आ रहा है, इससे पूछ जाएंगे। रोक भैया, रोकिए 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 भाई, ये गांव कितनी दूर है भाई? गांव तो बहुत दूर है, तुम्हें कौन से गांव में जाना? अरे कौन सा के, हम दोनों डॉक्टर हैं, हम हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में इस गांव में। तो डॉक्टर साहब एक काम करो, तब मेरी गल बैठो, हमारे गांव में तो कोई डॉक्टर ही ना, और हमारे गांव में क्या तो आसपास ही कोई डॉक्टर नहीं। अब हम आ गए ना, चिंता कोई बात आओ बैठो। भाई तू एक काम करिए, हमें रहने की जगह और अस्पताल की जगह दिखवा दिए बस। चिंता ना मानो, रहने की व्यवस्था तो आज ही करवा दूँ मैं, और एक दो दिन में सारे अस्पताल का भी हो जाएगा। तो ठीक है आओ, चलो चल तो भाई चल, जल्दी चल, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है आज। कैसे खुश हो रहा भाई? अजी खुश कैसे ना हूँ, अब तुम्हारे गांव में भी डॉक्टर आ गए। हेलो ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा। लो डॉक्टर साहब गांव भी आ गया, गांव तो सारा बढ़िया साफ सुथरा। हाँ जी बस डॉक्टर की कमी थी, आज वही पूरी होगी। चले आओ डॉक्टर साहब, यो है हमारा घर, और मेरे पिताजी हैं प्रधान। अच्छा आ जाओ। पिताजी ये आपसे मिलने आए। प्रधान जी राम राम। प्रधान जी राम राम। राम 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 भाई, राम राम। ओ भाई बैठो बैठो जी। कौन है पहले तो ना देखिएगा। पिताजी ये दोनों डॉक्टर हैं, हमारे गांव में अस्पताल खोलना चाह रहे, तो मैंने सोचा आपसे अच्छे इनकी मदद कोई कर नहीं सकता, तो मैंने यहाँ लिया। अरे ये तो बहुत बढ़िया करे बेटे, तो बहुत बढ़िया। अच्छा जी कहाँ के रहने वाले हो जी तुम? जी हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया है भाई, तुम आ गए यहाँ से। हमें तो अपना इलाज करवाने के लिए हमारे गांव गुआंढ वालों को भी कहीं कहीं मील दूर जाना पड़ रहा था, अब हमारे गांव में ही अस्पताल खुल जाएगा, सबको आसानी हो जाएगी। हमें तो अजी इसलिए तो आए हम। चलो बढ़िया करा है तो भाई, लल्ला बेटा चाय बनवा देना। जी पिताजी। बढ़िया होगा भाई, मौज हो जाएगी अब तो बस। अब तो देखो जी हमारा दो कमरों की पड़ी है एक दुकान, अब देख लो अगर थरी समझ में आती हो तुम कहो तो मैं उसकी साफ सफाई करवा दूं, बंद पड़ी गणी दिनों तक। ठीक है प्रधान जी। हाँ यार भाई रही बात थरे रहने की, हमारे गांव में एक जोरावर है, उसके घर में पहले एक मास्टर रह कर था, उसका हो गया ट्रांसफर, वो चला गया अंत, और थरे रहने का जुगाड़ भी नहीं हो जाएगा। चलो जी देखेंगे। वैसे भाई उम्र के हिसाब से तो तुम नए से डॉक्टर लग रहे हो। अजी नहीं, हमने दिल्ली के अपोलो और मैक्स और फोर्टिस सब हॉस्पिटल में काम कर रखा, क्या तो डिग्री दिखा दो। ना ना डिग्री तो रहने दो,
कहीं कहीं इलाज करो तुम। और जी तब हमें वैसे मत मानियो, हम लगभग सारी बीमारियों का इलाज करें। अजी राजन जी ने तो इलाज करने में गोल्ड मेडल जीत रखा। अजी फिर तो तुम भगवान बन गए। अजी सब ऊपर वाले फिर पाए, वो जो करे अच्छे के लिए ही करे। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम बैठ। राम 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 राम। और सुना प्रधान जी कैसे हैं? जी वे अच्छे हैं। और बेटा ये कौन है? जी डॉक्टर है, जो हमारे घर में दुकान न पड़ी खाली, वहाँ अस्पताल खोल रहे। ओ भैया जी का जोड़ दो हाथ, मैं दो ना फुटी कोटी में देख लियो। ये तो भैया दीवाले का पड़ा। अजी हम चंदा मांगने आए। फिर जी ये कमरा देखने आए, इन्हें रहने के लिए कमरा चाहिए। कुआरे हो? हाँ जी आज कुआरे बेटा, कमरे से डर लगा कुआरे को। कैसी बात कर रहे चाचा, ये डॉक्टर है, कोई गांव के बिगड़े हुए लुंडे थोड़ी हैं। फिर भी बेटा डर लग रहा है। चाचा मैं हूँ जिम्मेदार। ठीक है तो, लेकिन किराया लूंगा एडवांस 3000 रुपये। ठीक है जी। 3000 रुपये पहले कमरा तो दिखा दो। कमरा यहाँ से जाते हैं अर्जी का जड़ो ऊपर का कमरा। ठीक है। बुढ़ा तो मुझे घना तेज लग रहा है। ये तो ये तेज लग रहा है, मुझे ही पक्का ठरकी लग रहा है। कल कमरा देख। मैं कितना अंधेरा यार इसमें। खिड़की खोल। अब लग गया जी सर, तो कितना गंदा कर रखा है यार इन्होंने कमरा। हवा भी लगेगी। हाँ तो एक काम कर, जा झाड़ू लेकर। अच्छा भाई, तने देखी इस बुढ़े की बात है, घर में औरत जात का नाम नहीं, और ये हम जैसे कुंवारे हैंडसम लोंडे को कमरा देने से नाय कर रहा था। अरे छोड़, पर हमें क्या करना, महल्ले तो बड़ी ही है, अकेला बुढ़ा, अरे हमें भी कोई दिक्कत ना होने की है। फिर भी यार घर में मन लगने के लिए तो कुछ चाहिए ही। मन लगाना, काम में लगा, सफाई कर। यहाँ अरे काम ही कर रहा हूँ यार मैं तो, और की बेटे ये देख लोंडिया का फोटो रख के देख। गया देख, अगर ऐसी लोंडिया हो तो कितना मन लगेगा है। तू ही देख ले इन्हें। यार मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू समझ जा। इन लड़कियों के चक्कर में धरा कुछ भी, इन लड़कियों के चक्कर में ही तो तू अस्पताल में जूते मार के काट डा। अरे यू ही हाल तेरा अगर गांव में भी ऐसी रहा ना, तो इस गांव के बाड़क तेरे में इतना लठ बजाऊंगे कि तू ढूंढा नहीं पाने का। अरे यार तू डरे बहुत है यार। तू भी डर ले, इसमें तेरी भलाई है। देख भाई मेरे बस की रंड में मरना ना, जूते जैसे खा लूंगा मैं। जूते तो मैं फूंगा तुझे। सफाई कर ले चुपचाप। कर रहा हूं। तेरे में तो यार मरोड़ बहुत है, काट दूंगा कि भाई वाह, गन्ना चूस का तो मजा आ गया, और ना कमरे में पड़े पड़े बोर ही हो रहे थे। बिल्कुल गन्ना चूसने में मजा ही आया। पर भाई एक बात और, प्रधान जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, फटाफट सफाई करवा दी और काम में पूरी मदद कर दी। सही कह रहा तू, देख जितना सामान हमारे पे है वो तो है ही। हाँ। बाकी जो सामान ना है कल बाजार जाके थोड़ा बहुत ले आऊंगे। सही बात। ओ बेटे लड़की लड़की तो नहीं दिखाई देगी, उन्होंने दिखाई दिया स्कूटी नहीं, खराब भी हो रही है। अरे अब तू डॉक्टर है मिस्त्री ना है, अरे किसी की मदद करनी चाहिए यार। मुझे चलना पड़ेगा। अरे रुकियो, ऐसा धक्के मारने से स्टार्ट होती होगी स्कूटी कहीं। कहता सलाह मांगी हमने। ले भाई कर ले बात, आजकल किसी को अच्छी सलाह देना भी गुनाह हो गया। निकट जा बस यहीं से, अनि आप बिना गुनाह के भी सजा मिल जाया करे। अजी इसके कहने का मतलब यू है,
अगर थारी स्कूटी धक्के से स्टार्ट ना हो रही तो हो सको पलक पलक में दिक्कत आ गई हो। इतने समझदार हो तो तुम ही देख लो। अरे हम डॉक्टर हैं, मिस्त्री ना, स्कूटी ठीक करना हमारी शान के खिलाफ है। तू डॉक्टर किन्ना बना दे ढूर डॉक्टर। चुप, आप देख सकते हो तो देख लो। मेरा तेल वेल तो खत्म ना हो गया इसका। तू चुप रह, मैं देख रहा हूं। लो जी, आज पहली बार कोई मैकेनिक वाला काम करा, पर वो भी सफल होगा। वैसे मैं डॉक्टर हूं जी। थैंक यू, चल रहे हैं। किसी की मदद कर भी लेन देकर कर ले, ले लिया धार, पीछे वाली ने तो थैंक यू भी ना कही। आ जा। मेरे सरस तो हो गया, स्कूटी में धक्का लगवाता लगवाता हिला कर अपना। खाली तैने धक्का ना लगाया, मैंने भी लगाया। पांव दुख रहे मेरे, दबा दे। तो मैं भी थक रही। यू का तरीका घर में लेटने का? घर में रहने के तब मैं सीख लो कुछ। अब तुम दोनों बड़ी होगी हो। और हाँ, मैंने घर में दो डॉक्टर रखे हैं किराए पे। क्या कमरा फिर किराए पे दे दिया? पहले ही उस मास्टर से परेशान थे, ना तो किराया टाइम पे देवे था, ऊपर से घर में गंदगी और फैलावे था। अरे वे ऐसे ना है, किराए भी एडवांस दिया उन्होंने। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रही हूँ उन दोनों को घर से बाहर काट दूंगी। अब जा। ए रुक, तू डर क्यों रही है? रहने दे, अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना या हमें परेशान करा तो दोनों को सही से सबक सिखा देंगे। पर हम रिस्क क्यों ले? अरे कोई रिस्क ना है, 3000 रुपए महीना आवेंगे और हम सबका इलाज फ्री में होगा। पता नहीं तुम तो कैसे कैसे लोगों को रख लो। माड़ा था काम है घर का, यू भी टाइम पे होता दम पे। ऐसा है तो खुद ही कर लो। तू भी गुस्सा हो रही है, और पिताजी अभी तो आप आए हो, कर तो रहे हैं काम। अरे तेरी ये तो बुड्ढे की लौंडिया पाई। मैं तेरे से पहले कह रहा ना, छेड़खानी मत करे कर। मुझे लग रहा कमरा आज ही खाली करना पड़ेगा। कुछ ना होने का, चल देखते हैं, चल। अरे सुनो जरा, जी अंकल जी। अरे खाने पीने का कैसे करोगे? अजी खाने पीने को तो हमारे पास सामान है, हम अपने आप ही बना लेंगे। पेट तो ठीक है। अच्छा तो अंकल जी हम जावें? ठीक है जाओ। साला बुड्ढा भूई तो ऐसे रहा जैसे अपनी लोंडिया पर रोटी बनवाओगे। मैं
अरे तो चुप मर ले, लेकर ले हत्ते कभी बुद्धा बिगड़ जावे। मैं तो वे दोनों दिखे हैं जो रस्ते में अड़ रहे थे। चल छोड़ना। छोड़ना कह रही, वो तो पिताजी बैठे हैं यहाँ, नहीं तो दोनों के अगर ठिकाने लगा देती अभी मैं। वैसे तो मेहनत की बात करे और मेरी गैल दुकान देखने आया नहीं जाता। यू जीवन लाल का विवेक क्या दिखे, इससे तो अच्छा मैं से लगता ही नहीं। पर चलो कोई बात नहीं, बस हमें तो काम करना, हमें तो दुकान ढूंढनी पड़ेगी। है लड़की आ रही है, मुझे ऐसा लगा इसी गांव की दिखे, इससे बुझू। हेलो, हाँ जी, इसी गांव की हो? अब मुझे यहाँ हॉस्पिटल खोलना था अरे गांव में, कोई ऐसी दुकान उकान है नज़र में जिसमें हम अपना हॉस्पिटल खोल ले? मुझे क्या पता, मैं इस गांव की थोड़ी ना हूँ, मैं तो खुद काम ढूंढ रही हूँ, काम की तलाश में हूँ। काम तो तुझे मैं दे दूँ अपने हॉस्पिटल में, उसकी चिंता मत करे, बस मुझे तू अपना नंबर दे दे। ऐसे में किसी को रास्ते चलते को नंबर नहीं देती। ना देखती तो अपने नंबर को मैं सिर पर धर के नाच ले, ठीक है? अरे यार मैं भी बावला हूँ, जो इंगे से तुम आई था इंगे भी जाऊंगा। क्या सोचू जा, तू बैठी हुई, ले गिलास पानी पिला दे। पता चली उन दोनों की कहीं? अरे कह तो नू रहा था कि गैराज खोलूंगा, तू चिंता ना करे, ये भी उसके धोरे पैसे हैं, जिदन पैसे खत्म हो जाएंगे वो आ जाएगा, और देख लिए अत्ते ही इस बार उसे घना सुधार दूंगा। देख मेरा मन बहुत घबरा रहा, मेरा इस घर में बिल्कुल जी नहीं लग रहा अपने बालक के बगैर। अरे तू ही तो दुआवे है उसे पैसे, अगर उस पे पैसे ना हो ना वो कहीं ना जा, है पैसे ले और चला जा। हे भगवान, मेरा बालक जहां भी हो बट ठीक ठाक घर आ जावे। ए भाई, हाँ। तू दुकान देखने गया, मिल गई दुकान? अरे कहाँ मिलेगी दुकान, अगले गांव तक चला गया, कहीं ना मिली। फिर तो मना ना करी मन ने, पर तू मानना किसकी है, प्रधान जी ने जो दुकान दिखाई है ना वह सब था बढ़िया। चल ठीक है, एक मच्छर इतने आवे है तेरे पे खिड़की बंद भी ना होती है। रो मिस्त्री, ओ मिस्त्री, तुझे ना तेरे की किसी का ऑपरेशन करना, घना बड़ा डॉक्टर ना बने, जाके एक बाल्टी पानी लिया। अरे यार मैं यू आर्टिकल पूरा कर लू और ना मैं लग जाऊंगा। ओ मिस्त्री, के आर्टिकल पार्टिकल में लग रहा तू, जाके एक बाल्टी पानी ले दे। देख रहे तू पानी का? अरे अट्ठा ना मांडू, टिक्कर ना पूंगा तेरा, जहन ना पाड़ूंगा। अरे अभी ना लग रही भूख, रोटी 10-20 मिनट बाद खा लेंगे। देख भाई मिस्त्री, या तो ला दे पानी ना, मैं आज के बाद तेरी रोटी नहीं बनाने का और तेरे पे बनानी आती नहीं, मरिए भूख का। हमारे भी टिक्कड़ी पथेल नहीं है यहाँ। बस मैं जल्दी से डॉक्टर बन जाऊं पूरा, और 1,00,000 रुपए कमा के मार पिताजी से मिल जाऊं, एक मिठाई का डिब्बा भी लेके चलूंगा, पिताजी तो बहुत खुश होंगे। डॉक्टर साहब, बाल्टी तो पूरी भर लेते,
बस दो ग्लास पानी के लिए लाए थे इतनी बड़ी बाल्टी हैं? ये सुंदर दिखा है बेचारा। सही कह रही है, पर हमें क्या लेना। और दूसरा तो बिल्कुल बावड़ा भूत है। बात तो सही गई थी ना वैसे। अरे क्या हुआ मिस्त्री, कैसे रेल बन रही तेरी? अरे बैठ जा। एक बात बताइए, इतने से पानी में काम चल जाएगा, पानी खत्म होगा था के? अरे बाहर भूत मिल गया था के? ना। तो बाहर बुड्ढा बैठा था के? ना बुड्ढा ना बैठा था। फिर? अरे वे दोनों आ गई थी बाहर। वे दोनों तुझे काट रही ही या कुछ कह रही ही तुझे? तू देख ले, इस पानी तक काम चल जाएगा तो ठीक है, अरना मैंने जाने का बाहर बिल्कुल भी। देख मिस्त्री, सब्जी बन जाएगी और आटा बन जाएगा, पर पीने के लिए लाना पड़ेगा। मैं जाने का हूँ, तू ही जाओगे बाहर। तू तो बहुत डर रहा है भाई। छोरी तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ भैया, हमें तो लाना ही पड़ेगा, हमें तो अभी 2 घंटे और पछलना पड़ेगा ना यहाँ। तुझे रोटी तो खानी पड़ेगी ना, पढ़ूँगा तेरा पेट, मुझे तो पिसना ही है अब यहाँ। यार तो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। रोटी खाओ, क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? क्या कर रहे हो डॉक्टर? मैं सर्च कर रहा हूँ कि आदमी की औरत कैसे बनाई जाए, क्योंकि मेरे वैसे तो कोई घास गेरी नहीं रहा, ना मेरा कोई ब्याह कर रहा और ना होता दिखे। मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी आदमी पकड़ के, जैसे ये निठल्ले पिठल्ले से हूँ, इन्हें पकड़ के और इनकी औरत बना के और ब्याह कर लूँगा। तेरा ना होने का कुछ भी, तू एक काम कर, रोटी खा ले, ब्याह बाद में कर लिए। हाँ ये भी जरूरी है, खाना पीना टाइम से लेना चाहिए। डॉक्टर साहब नाश्ते। नमस्ते भैया। डॉक्टर साहब नई दुकान खुली दिखे? अरे तो वही दिखे ना सैडी। पक्का भैया? मैं ये कहता नई दुकान खुली है तो कुछ चाय पानी को 10-20 रुपया और दे दो। कहें कि अभी तो नई दुकान खुली है, अभी तुम्हारे यहाँ का पैसे आ गए। नई दुकान खुली है, खुशी में मगर मिल जाए 10-20 रुपया तो। वैसे पैसा की हम पे भी कभी ना, पापा की सरकारी नौकरी है। अरे भैया दे देना चिल्लड़ी से। हाँ ना तो कहीं और देख। हम डॉक्टरी से पहले बदमाश भी थे ना, हमें मारा। दुकान खुली नहीं, भिखारी पहला आ लिए। हाँ। गांव बचाने। चल रोटी खा ले तू। हाँ चलो। डॉक्टर साहब देखो राम फल कट गया। ये तो बहुत बड़ा हो गया। कैसे कटा? गंडा से आ गया। हाथ कट गया। आइए आइए अंदर आइए। अंदर आओ। काके भाई, भगवान का शुक्र है कि नस नहीं कटी, टाके लगा दिए हैं। हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक काम और करना, ये हाथ ना भिगाए, ध्यान रखना, और हाथ सूखने की हम दवाई दे देते हैं। ठीक है? ठीक है जी। ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक, ध्यान रखना। बहुत कटा हुआ था और मैंने सोचा पता ना कहीं कट गया। चलो ठीक है। अबे भगवान, भगवान जी मुझे बात करनी दे रहे थे भाई, जैसे कि मैं डॉक्टर भी बन लिया हैं और मैंने दुकान भी खोल ली और मैं पैसा भी बतेरा कमा रहा हूँ, मुझे न्यू बता कि महाराज भी कोई ब्याह का सिस्टम बना रखा ऊपर या कोई जोरी ना बनाई?
मारे माथे चावल लग सकेगा ना, ये हम न्यू रंड में मरेंगे, ये ना इंसाफ की बात। अब तक तो मेरे बालक भी हो जाने चाहिए थे, हैं? आधी उम्र तुम्हारी डॉक्टर बनने में गुजर ली, कुछ फायदा भी है, हैं? सुन दिखे आओ आओ जी आओ आओ बैठो बैठो बैठो। डॉक्टर साहब मुझे कमजोरी से भी फील हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। हैं? चक्कर भी आ रहे हैं जी। हाथ दिखाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? चेक करके बताऊंगा। जीभ दिखाओ। बालो, बालो। कोई बात नहीं। कमजोरी बहुत है, आप अकेले क्यों आए? जी वो बालकों का बाप को भट्टे पे ईंट पाथने गया और सास को मैं बच्चों के पास छोड़ के आई हूँ। हे भगवान, कैसे कैसे के ब्याह करवा दिए, मेरे बारे में नहीं सोच रहे। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या सोच रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं, उल्टी हुई जी। नहीं, ठंड सी भी लगी जी। नहीं, खट्टे खट्टे खाने का मन करा कभी जी? नहीं। समस्या गंभीर है, तेरे खून की रफ्तार कम हो रही है। डॉक्टर साहब घनी समस्या आई के? इतनी सोहनी बीर बननी भट्टे पे ईंट पाथ रही है, यू समस्या के कम है? डॉक्टर साहब तुमने बताया नहीं। हाँ, ब्याह को कितने साल हो गए? जी 3 साल हो गए। अब बालक कितने? डॉक्टर साहब तुम राशन कार्ड भी बनाओगे? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा। जी 3। है? 3 साल में 3 बालक? तुम्हें कुछ और काम ना के? डॉक्टर साहब काम तो बहुत था, पर बालक तो भगवान की देन है। यूं भगवान भी मेरे पे खार खाए बैठा दिखे, मेरे बारे में नहीं सोच रहा। ठीक ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ। इनमें से एक सुबह शाम और एक सुबह शाम, ये दिन में 2 बार गर्म पानी से लेनी है, ठीक है? ठीक है। और बाकी कल इसी टाइम आना, ठीक है? आराम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने पैसे हुए डॉक्टर थारे? इसने मन तो ना करा, पर चलो 100 रुपये दे दे। ठीक है, राम राम डॉक्टर। राम राम। ओ आसिक, या तो ढंग से काम कर ले, अगर तेरा इलाज कोई ऐसा बांध देगा। देख रहा, भट्टे पे ईंट पाथने वालों का नसीब। मतलब? मतलब ये जो गई है ना भी, इसका आदमी भट्टे पे ईंट पाथ है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, इधर ही रोटी रोटी खा लिए। बेटे कोई बात नहीं, कल फिर आओगी, और भगवान करे बड़ा डॉक्टर यहाँ ना हो, मैं अकेला ही हूँ।
आइए जाइए बैठिए। डॉक्टर साहब मेरे पेट में घुड़ा घुड़ा हो रही है। घुड़ा घुड़ा हो रही है? हाँ जी। और उल्टी कैसा भी मन कर रहा है। उल्टी भी हो रही है? हाँ जी। और तेजाब सा भी बन रहा है। तेजाब से बन रहा? हाँ जी। तो ये तो खुशखबरी है। मेरा मतलब दवाई दे दूंगा ठीक हो जाएगी। वैसे के खाया था जी? पकवान। पकवान? हाँ जी। शादी होगी आपकी? नहीं हुई। क्यों? लगता है बात बन जाएगी, बात करूंगा। डॉक्टर साहब दवाई दोगे? घर को ही जाऊं? हाँ दवाई देंगे, हम दवाई के लिए तो बैठे हैं। दिखाओ हाथ। डॉक्टर साहब मुझे तो लगा थारी तबीयत खराब दिखा, तुम्हें ना था कुछ भी। आवे है मेरे पे तो डिग्री है। देखो जी ये दवाई आपको सुबह शाम लेनी है गर्म पानी से जी, खाना खाने के बाद जी, और कल आना 2 बजे के बाद जी। क्यों? ना बस ऐसी, जो हमारा डॉक्टर है दूसरा वो पैसे ले गए बहुत ज्यादा, और मैं नरम दिल का आदमी हूँ, मैं ऐसे ही कर दूँ थोड़े बहुत में। ठीक है जी। किसी को मैं फ्री भी कर दूँ। कितने पैसे होगी? दे दो 10-5 हो तो, ना हो तो बाद में समझ लेंगे हैं। चल परे मार ले। के कह रहा उससे तू? के कह रहा? पैसे रहने दे, 10-5 रुपए दे दे बस। ना ना भाई, मुझे तो पैसे कमाने, अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमने कमा लिए पैसे। तेरा कुछ नहीं हो सकता। गई, इसे सुसरे को भी अभी आना था। कोई बात नहीं, कल का टाइम तो है, 2 बजे आऊंगी। यस। अरे कैबर गिना का भैया ही ना। देख डॉक्टर साहब, आज हमें 3 दिन हुए क्लिनिक खोल लेंगे, और ये 2400 रुपए बचत के हैं। अगर इसी तरह हमारे यहाँ ग्राहक आते रहे तो एक दिन हमें बड़ी तिजोरी लेनी पड़ेगी, और उसमें ठूस ठूस के पैसे भर देंगे। कह दो तो बिल्कुल ठीक रहा। हाँ। पर हम मेहनत भी तो इतनी कर रहे हैं, अपनी औकात तो भी ज्यादा है। हाँ, और एक बात और, अगर हम इसी तरह से मेहनत करते रहे तो 1,00,000 रुपए तेरे पूरे करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कह तो तू ठीक रहा। इन्हें धर, मैं ग्राहक नहीं आ रहा, मैं देखूं। डॉक्टर साहब की नया मुर्गा आ रहा, और बात को बढ़ा चढ़ा के कहिए, और न्यू कह दिए सीनियर डॉक्टर बहादुर सिंह देखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसे लेके देते। आराम चल भाई, इधर दो, आराम से। अरे बहुत चोट लगी है इनको तो। डॉक्टर साहब साइकिल चला रहा था, 24 घंटे साइकिल पे हंडता रहे। अच्छा, इसको तो टाके लगाने पड़ेंगे, और हो सकता है अगर इसमें इन्फेक्शन फैल गया तो पैर भी काटना पड़ सकता है। हमारे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर बहादुर, वो इसको देखेंगे, मैं उनको बुलाता हूँ। ओहो बहुत सीरियस केस है भाई, तो हड्डी भी आर पार दिखाई दे रही है, टाके भरने पड़ेंगे। एक बात बताओ, आदमी तो इतना सा उपाधि बहुत है, दोपहर में हुआ था क्या? साइकिल चला रहा था, बड़ी तेज गिर गया बेटा। दो सेकंड।
पट्टी लो लो एक सेकंड लो देखो भाई ये सीरियस केस है हड्डी आर पार दिख रही थी हमने टाके लगा दी ये भीगना नहीं चाहिए नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा जितना बचाव रखोगे आपके लिए ठीक है और हम ये गोली दे रहे हैं ठीक है जी ये सुबह शाम की गोली है और एक मैं मलहम दूंगा आपको ठीक हो जाएगा और एक इंजेक्शन भी लगेगा इसके लोहे की चोट पे टैटनिक्स का इंजेक्शन लगता है डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें हाँ आज सोमवार है मैं बत्ती बासी वैसा हूँ मैं किसी का इंजेक्शन नहीं लगा सकता 500 रुपये हो गए ₹200 नाई की दुकान है बाल कटवाना आया हैं बाकी लिख लियो यही शांतिलाल का ढाबा चल रहा है खाता लिख लियो चलो दे दिए पैसे कम इंजेक्शन भी मैं ही लगाऊं यार बोलो पीछे रोज चोट मार के आ रहे पैसे जाते हैं बहुत ज्यादा नहीं है और सुन पैसे देते ही दिए याद से भिजवा देंगे याद से मेरी सुसरी का